स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो अपना मान होना चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड और सेकंड ये फॉर्मूला मान होना चाहिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये दो फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सर एक चीज और इसी से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं तो तुम बोलूँ तो स्पीड दी गई किलोमीटर पर आवर में और उसको कन्वर्ट करना है स्पीड को मुझे मीटर पर सेकंड में तो अभी मल्टीप्लाई बाय 5/18। इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड यू विल मल्टीप्लाई बाय 5/18 एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। सर एग्जाम्पल An aeroplane is moving with a speed of 2000 meter per second. Find its speed in kilometer per hour. किसी भी एग्जाम में आ सकता है। जिस बच्चे को पता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 तो हम बोलेंगे 2000 × 18/5 किलोमीटर पर आवर तो उस एरोप्लेन की स्पीड आ जाएगी 1,72,000 किलोमीटर पर आवर। बोलो फिर डॉक्टर नहीं आता। सर अगले जो क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस पे आते हैं आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए। अब अगर मैं तुमको बोलूँ सेकेंड जो तुमको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अ पर्सन अ ट्रेन टेक्स वन आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर फाइंड द टाइम एंड स्पीड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हर जगह आते जाता है। अ ट्रेन टेक्स वन आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। हमेशा जब भी ये टाइम वाले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप अप्लाई करोगे time 1 - time 2 = 1। ये हमारी ट्रिक है time 1 - time 2 = 1। टाइम वन का मतलब क्या, डिस्टेंस 1 / स्पीड 1 - distance 2 / स्पीड 2। डिस्टेंस जो 500 डिस्टेंस लेता है 500 अपॉन में पहले स्पीड कितनी थी बेटा x और बाद में स्पीड कितनी होगी x + 5 = 1। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, आप चाहो तो 500 कॉमन ले लोगे, आप देखोगे 1 / x - 1 / x + 5 = 1। ठीक है, यहां से आप एलसीएम भी ले सकते हो। सर मैं एलसीएम ले रहा हूं बेटा, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, तू क्या नॉकआउट भी कर सकता है? हाँ, नॉकआउट मतलब क्या, ऑप्शन पुट कर दो यहाँ पे जो आंसर टैली हो जाए। जिन बच्चों को ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है वो थोड़ा एलसीएम लेना सीखे। यहां से क्या होगा, ऐसा करके रह जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो वापस x + 5 - x = 1। आई थिंक एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, 500 × 5 कितना हो गया 2500 इज इक्वल टू, ये जो नीचे वाला चला जाएगा x² + 5x। बोलो फिर डॉक्टर यहाँ पे, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। मैं यहाँ पे x² + 5x भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगा x × x + 5। जो ऑप्शंस मेरे काम के होंगे, सर ऑप्शंस कैसे काम के हो सकते हैं, अब तो कुछ सोच। अगर मैं तेको बोलू 2500 है तो 2500 होता कितना है 50 × 50 आगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा कभी 45 आएगा तो 45 × 50 करोगे तो आंसर छोटा आ रहा है, तो 45 से बड़ा होगा और 50 से क्या होगा अंदर अंदर आंसर होगा। ठीक है ना, दिस वाज अ सैंपल क्वेश्चन। तो इसके बाद क्या आपको लंबा जाना है या फिर नॉकआउट कर लेना है, नॉकआउट कर लेना है। इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक खुलेगी, क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग मोमेंटम होगी, फिर स्प्लिटिंग मोमेंटम से तुमको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्या ये क्लियर है। दिस वॉज वन ऑफ द सैंपल क्वेश्चन। अगर मैं देखो एक क्वेश्चन और पूछूं आराम से, If a person is walking with 6/7 of his usual speed, he is 20 minutes late to his destination. Find
फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द व्हाट डिस्टेंस एंड टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, आज मैं यहां से अपने घर से किसी डेस्टिनेशन में आ रहा हूं, तो ये डिस्टेंस क्या है? हां कि ना? नॉर्मल मेरी स्पीड क्या मान ले x, नॉर्मल स्पीड मेरी क्या मान ले x, लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस। पहले मेरी स्पीड, डिस्टेंस का मतलब क्या है? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। पहले मेरी स्पीड क्या है? x, और टाइम का मतलब t। अब मेरी स्पीड क्या x बची? 6/7 हो गई, 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड। तो नाउ माय स्पीड विल बी 6/7 ऑफ x। अब मुझे टाइम लग रहा है, वो टाइम t लग रहा है कि t प्लस 20 लग रहा है? सर डिस्टेंस तो वही है, चार तो उसी रास्ते पर आया ना, तो तेरा एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। सर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यों? बेटा जर्नी जर्नी वही है, रास्ता वही है, पोजीशन वही है, सिर्फ इस बात तरीका हुई है स्पीड कम हो गई और शायद टाइम बढ़ गया है। तो तेरा ये यहां पर आ जाएगा कि 7t इज इक्वल टू व्हाट? 6t प्लस 120। ठीक है, तो 70 माइनस 60 इज इक्वल टू t, t इज कितना? 120 मिनट्स, इसका मतलब 2 आवर्स। तो टाइम कितना आ गया? 2 आवर्स। एक बार तेरे पास टाइम आ गया तो क्या तू बाकी चीजें निकाल सकता है? हां, क्योंकि मैंने x into t बोला है, वहां पर टाइम पे वैल्यू पुट कर देगा, यहां पर टाइम पे वैल्यू पुट कर देगा, आंसर आ जाएगा। बोलो, कोई डाउट तो नहीं आता? चल सर, थर्ड पैटर्न क्या आता है इसके अंदर? थर्ड पैटर्न ये आता है आपके अंदर कि लेट्स से आप इंदौर से, आपको जाना है भाई भोपाल, इंदौर से देवास आपका है 30 किलोमीटर और देवास से भोपाल है आपका 170 किलोमीटर। वो आपको बता रहे हैं कि इंदौर से देवास आपने 1 घंटे में ट्रेवल करा और देवास से भोपाल आपने 4 घंटे में ट्रेवल करा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट भाई, अल्टीमेटली गए कहां? इंदौर से भोपाल। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो ऐसे, सर ये कब फॉर्मूला यूज होगा? जब तू बीच में कहीं रुक के कहीं आगे जा रहा है, आगे पीछे नहीं आ रहा है, यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया, तो तेरी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 30 प्लस टोटल डिस्टेंस अपॉन बेटा कितना? टोटल टाइम। अगर बच्चा बहुत शांति सुने तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या? 30 प्लस 170 अपॉन टोटल टाइम का 4 प्लस 1, इट वुड बी 200 डिवाइड बाय कितना? 5। तो जैसे 40 किलोमीटर पर आवर। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना चाहूंगा कि आपको समझ में आ गई चीज क्या हुई। मैं को इंदौर से देवास गया 30 किलोमीटर 1 घंटे में, देवास से भोपाल गया 170 किलोमीटर 4 घंटे में, मैं को एवरेज स्पीड निकाली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। टोटल डिस्टेंस आई हैव फॉर 200, टोटल टाइम आई हैव कितना? 5 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंसेप्ट सिखा रहा हूं वो सीखना जरूरी है कि उसमें एक अलग चीज आती है बेटा। सर अलग चीज क्या आती है? तो बच्चा समझेगा इस बात को बहुत ढंग से कि अगर मैं तुमको बोलूं मैं इंदौर से पहले गया उज्जैन बाय कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, फिर मैं उज्जैन से आया इंदौर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, फिर मैं इंदौर से गया उज्जैन एट अ स्पीड ऑफ, मैं बाइक से गया एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, तो क्या तीन स्पीड है? अब बच्चा मुझे क्या बोलेगा? सर वही तो बात हो गई, गया फिर आया फिर गया, तो तीन टाइम डिस्टेंस हो गया। जब आप यहां से गए तो एक पूरी थ्रू आउट एक अलग स्पीड थी, जब आप यहां से वापस आए तो थ्रू आउट एक अलग स्पीड थी, और जब यहां से गए थ्रू आउट एक अलग स्पीड थी। जब भी ऐसे में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमेशा निकलता है हार्मोनिक मीन से बेटा। इसका फॉर्मूला एन अपॉन में 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3। कितनी बार घूमे? तीन बार, तो 3 अपॉन कितना? 1/60 प्लस 1/40 प्लस 1/50। जो भी एवरेज आपका है, सर एवरेज निकालेंगे तो जो भी इनका एलसीएम आएगा 1/60 प्लस 1/40 प्लस 1/50, तो आगे सॉल्व करें तो 60 50 और 40 का शायद 600 एलसीएम आएगा, तो इनटू 10 इनटू शायद 15 इनटू 12, तो 10 प्लस 15 प्लस 12 ये 600 ऊपर आ जाएगा, तो 3 × 600 डिवाइड बाय कितना? 37। व्हाट एवर द स्पीड वुड बी, दैट वुड बी द एवरेज स्पीड। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। जब आप एक जैसे टू एंड फ्रो जाते हो, जाते हो आते हो फिर जाते हो आते हो फिर जाते हो, तो ये आपकी एवरेज स्पीड होती है। अब अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बड़ा खतरनाक होता है नए कंसेप्ट का क्वेश्चन, कि बंदे ने बताओ क्या कहा, अब बात करें इसके बारे में, अमन के बारे में बात करें, तो बड़ा मिजाजी बंदा है,
इसको बहुत घूमना फिरना पसंद है। पहले 10 किलोमीटर चलाई इसने आराम से, जो पहले 10 किलोमीटर की स्पीड थी तो वो इसने चलाई आराम से 5 की स्पीड में, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर चलाई इसने आराम से 10 की स्पीड में, या पहले 10 किलोमीटर को कवर करने में इसको 1 घंटा लगा, अगले 10 किलोमीटर को कवर करने में इसको 2 घंटे लगे, फिर इसको अगले 10 किलोमीटर करने में फिर 3 घंटे लगे। तो अब इसमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो अगेन यहाँ पे एवरेज स्पीड वही सिंपल हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में व्हाट, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब ऐसे टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, पहले के 10 किलोमीटर कितने पे 1 घंटे, ठीक है, फिर अगले कितने 20, वो कितने घंटे के 2 घंटे, अल्टीमेटली 10 20 30 से कवर होते जा रहे हैं। तो जितने डिस्टेंस कवर होते जा रहे हैं, जितना टाइम लगते जा रहा है, आप सबको करोगे तो उसका एवरेज डिस्टेंस और एवरेज टाइम आ जाएगा। ये ऐसा तीसरा कंसेप्ट है, जब अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग स्पीड चार्ज कर रहे हो, जैसे इंदौर से देवास वाला क्वेश्चन था। चलो अब एक चीज तुमसे नॉर्मल पूछता हूं, नेक्स्ट चीज बहुत आराम से और ध्यान से पढ़े भाई। एक कार है मेरे पास, मैं इंदौर से भोपाल लगा देता हूं, इंदौर से भोपाल मेरी स्पीड एवरेज स्पीड है लेट्स से 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में लग जाता है, ठीक है ना। मेरे साथ गया अमन, अब अमन गया तो अमन ने क्योंकि रुक गया, इसको रुकने का बड़ा शौक है, पोहे कचौरी खाने में रुक गया, तो इस कारण से अमन की स्पीड आ गई कितनी 150 किलोमीटर पर, 150 किलोमीटर। गाड़ी हम दोनों ने अच्छी चलाई, मतलब मैंने भी गाड़ी जूं चलाई, उसने भी गाड़ी जूं चलाई, मेरी भी स्पीड 180 थी, एक प्रकार से उसकी स्पीड भी 180 ही थी, बट इसकी 150 क्यों आई बेटा, तो ये स्टॉपेज कर रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लग गया, हाँ कि ना। अब आपसे पूछ रहा है अमन रुका कितने था, व्हाट इज स्टॉपेज टाइम, तो भाई मैंने तो अमन से एक ही बात बोली, अमन तेरे स्टॉपेज के चक्कर में तूने स्पीड कितनी कम कर दी, 20 किलोमीटर पर एक प्रकार से, कितने में अमन तू चला तो अच्छी रहा, तेरे स्टॉपेज ने तेको कितना मिनट लेट कर दिया, तेको 30 किलोमीटर पीछे कर दिया मुझसे, 30 किलोमीटर अपॉन में बेस स्पीड क्या थी 180, तो 30 अपॉन 180 जो भी आंसर है इनटू 1 पर आवर की बात हो रही, तो ये वन सा ये था सिर्फ सर, तो अगर 1/6 ऑफ आर तो 1/6 ऑफ 60 मिनट्स, इसका मतलब अमन रुका कितने मिनट था 10 मिनट्स, अमन रुका कितने मिनट था 10 मिनट, ये अगर अमन 10 मिनट नहीं रुकता तो क्या अमन भी उतनी जल्दी पहुंच जाता, हाँ तो समझ में, इसको बोलते स्टॉपेज टाइम, क्या बोलते स्टॉपेज टाइम। आई होप वेरी मच क्लियर विद दिस। तो एक चीज और समझाऊंगा, अगर मैं इसको तुमको थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ ट्रेन समझा, ट्रेन तो बच्चे समझे, ये पोल है और एक ट्रेन है, लेट्स से आपको बोल के रखा है कि अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ पोल, इसे पोल है, क्रॉसेज अ पोल इन लेट्स से 15 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ट्रेन जब इसको पूरा पोलो क्रॉस करेगी तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना कवर होगा, सर ट्रेन को किसी और को क्रॉस नहीं करना, ट्रेन को अपने आप ही क्रॉस करना पूरा, तो ट्रेन चुप चुप करते करते जब यहां पहुंच जाए, जब ट्रेन का पिछवाड़ा पोल के आगे आ जाए तब डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो क्या ट्रेन को कोई और डिस्टेंस क्रॉस करना है कि उसको अपनी ही पूंछ क्रॉस करनी है, उसको अपनी ही पूरी पूंछ क्रॉस करनी है, तो इसका मतलब यहां पे टाइम इज इक्वल टू जो आप पढ़ते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन कितना स्पीड, तो द लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी 200 मीटर अपॉन कितना 15 सेकंड्स बॉस, ये जो स्पीड आएगी आपकी यानी मीटर पर सेकंड, अगर पता मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 200 अपॉन में 15 इनटू शायद कितना 18 बाय 5, तो जो भी आपका कट के आएगा जितना मैं समझता हूँ ये होंगे 5 कितने 3 5 सब ये 3 6 सब तो 5 बनजा अभी तुम्हारे कितना गए 48 वो आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस कंसेप्ट। अब अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं ट्रेन्स के बारे में ही, तो अगर मेरा सेकेंड क्वेश्चन कोई बच्चा समझना चाहे, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, 300 मीटर लॉन्ग का प्लेटफॉर्म है पास, और मेरे पास अब है लेट्स से 200 मीटर लॉन्ग की ट्रेन। अब अगर ट्रेन को ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है
ट्रेन को क्रॉस करना है प्लेटफॉर्म, तो क्या ट्रेन को सिर्फ खुद को क्रॉस करना है इतना, उसके आगे भी निकलना है, इसका मतलब ट्रेन को पहले तो खुद को चुक 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 करते करते यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर चुक 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 करते हुए और आगे निकलना पड़ेगा। तो इस बार ट्रेन को दोनों को खुद की पूंछ को और प्लेटफॉर्म को दोनों क्रॉस करना है। तो अगर ट्रेन को बोला है कि ट्रेन क्रॉस हो जाए 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग क्रॉस 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 seconds, इन वॉट फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो अब लगाओगे क्या टाइम इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिल्कुल इस पर डिस्टेंस कितना रहेगा 500 रुपए, डिस्टेंस क्या अपन L1 प्लस L2 अपॉन में कितना मान लें S, डिस्टेंस इक्वल टू कितना मान लें L1 प्लस L2 अपॉन में कितना S, तो क्या L1 कितना आपके पास 300 प्लस कितना 200 अपॉन में स्पीड टाइम पर अपॉन में अपने को कितना करना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा कि स्पीड इज इक्वल टू कितना सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को कितना करना पड़ेगा 20, तो देयर इज स्पीड आई 500/20 दैट इज 250 मीटर पर सेकंड। क्या तुमको इसके में आंसर लिखना है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर के लिए तुम करोगे क्या 250 into 18 by 5 आपकी क्या आ जाएगी स्पीड ऑफ दी ट्रेन 25 तो कुछ नहीं होगा, पर ये 90 किलोमीटर पर आ जाए यहाँ तक ठीक है क्या। अगर मैं तुमसे थोड़ा सा आगे चलूं एक लेवल और आगे, अब मैं तुमको बताऊं ये मेरे पास एक ट्रेन है दैट इज 200 मीटर लॉन्ग, मेरे पास एक दूसरी ट्रेन भी है, अगर मैं तुमको बोलूं तो मेरे पास एक दूसरी ट्रेन है दैट इज व्हाट 300 मीटर लॉन्ग, एक 200 मीटर लॉन्ग है एक 300 मीटर लॉन्ग है। अब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन चल रही है, सेम डायरेक्शन, तो कब ये ट्रेन उस ट्रेन को क्रॉस कर जाए, तो सर जब ट्रेन वन को ट्रेन टू को क्रॉस करना है तो पहला रूल तो ये होना चाहिए कि ट्रेन वन की स्पीड क्या होनी चाहिए ज्यादा तभी वो क्रॉस कर पाएगी उसको, तो इसकी स्पीड होती है S1 और उसकी स्पीड क्या होती है S2, तो इसकी कंडीशन होती है S1 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट S2, सही है, इसकी स्पीड ज्यादा तो क्रॉस कर पाएगी। सर क्रॉस करने के लिए तो करना क्या पड़ेगा, सिर्फ क्या इस ट्रेन तक आना है कि आगे निकल जाना है, अगर आगे निकल जाना है इसका मतलब सर एक बात तो आप समझो, इसका अगर तुम्हें स्पीड निकालनी है तो या टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा L1 प्लस L2 अपॉन में, अगर बेटा सेम डायरेक्शन है तो याद कर सेम डायरेक्शन में लोगों की मिलने के चांसेस लेट होते हैं, क्यों वो चुप 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 करते वो भी जा रही और ये पीछे आ रही, वो आ रही और ये और आगे जा रही, इसका मतलब ये जल्दी मिलेंगे कि लेट मिलेंगे, लेट मिलेंगे, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी S1 - S2, क्योंकि चले कितना भी तेज, समझो एग्जाम्पल मैं तुमको लेता हूं, ये तुम्हारी 200 मीटर की ट्रेन थी, ये तुम्हारी 300 मीटर ट्रेन है, इसकी स्पीड मान ले 50 किलोमीटर पर आवर है और उसकी स्पीड मान ले 30 किलोमीटर पर आवर, तो नेट ये कवर कितना कर पाई 20 किलोमीटर, तो अगर ये 50 चल भी रही है तो उतने में तो 30 आगे निकल जा रही है ना, अगर ये 50 आगे बढ़ रही है तो कितना निकल जा रही है 30, तो नेट कवर कितना हो रहा है 20, तो मेरे को लगता है टाइम इज इक्वल टू, अगर अपन बात करें तो L1 प्लस L2 200 प्लस कितना 300। अब बच्चे को एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जहां बच्चे ने ये स्पीड यूज करी और आंसर निकालने की कोशिश करी 50 - 20, 50 - 30, तो वहां बच्चा निपट जाए, क्यों किलोमीटर पर आवर, ऊपर क्या है मीटर, तो अपने आप में स्पीड अपॉन में चाहिए कौन सी किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर बेटा मीटर है ना नीचे क्या है किलोमीटर पर आवर, तो आपको समझना पड़ेगा अगर ऊपर 500 आ रहा है तो नीचे ये 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा शायद 5/18, इस बार किलोमीटर पर आवर करना है तो इनटू कितना 5 अपॉन में कितना 18, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है जितना मैं बताऊं 0 0 से कैंसिल हो गया 50 into 18 अपॉन में कितना 2 into 5 = 10, तो शायद आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, क्या ये समझ में आता है। सिर्फ इसी में अगर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दूं, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दूं, इफ आई विल यूज अनदर क्वेश्चन कि दो ट्रेन थी, अगर मैं तुमको बोलूं दो ट्रेनें हैं, दिस इज ट्रेन वन और विच इज
400 मीटर लॉन्ग, दिस इज ट्रेन टू विच इज लेट्स से 300 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इफ देयर आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर गोइंग इन व्हाट, इसकी स्पीड है आपके पास लेट्स से 70 किलोमीटर पर आवर और लेट्स से इसकी स्पीड है प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, अब हमने कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। एक बार ध्यान रखना, क्रॉस करना है तो भी एक दो तो पूरा पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस तो प्लस ही होगा डिस्टेंस, लेकिन इस बार क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो मुझे तो अपोजिट डायरेक्शन में अपन स्पीड क्या रखें, एस वन माइनस एस टू रखें कि एस वन प्लस एस टू, एस वन प्लस एस टू, ठीक है। सो वी विल यूज द फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू अपॉन व्हाट, एस वन प्लस एस टू। अब बता एल वन प्लस एस टू कितना है, 400 प्लस 300 अपॉन 70 प्लस 40, 70 अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, तो इट वुड बी व्हाट 700 डिवाइड बाय 1110, अभी ये क्या चल रहा था किलोमीटर पर आवर, देखो कन्वर्ट का हमें करना है मीटर पर सेकंड, तो इनटू कितना शायद 18 बार का है, हां भाई बैठ तो 5 बाय 18 जो भी आता है, ठीक है ना। इसमें हमारा आंसर क्या अपोजिट डायरेक्शन क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं, अगर यहां तक समझ में आ गया तो यहां से आगे बढ़ने के पहले अगर मैं 2 मिनट बच्चों को ये समझाऊं कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, तो अपन ने पढ़ा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, एक टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इससे अगर हमको एक बात समझ में आए तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे बात समझ में आई, अगर एस वन से एस टू स्पीड होती है 3:4 के रेशो में, तो टाइम वन से टाइम टू हो जाएगा 4:3, कि जितनी स्पीड बढ़ जाएगी उतना टाइम कम लगेगा। आई रिपीट, जितनी स्पीड बढ़ जाएगी उतना टाइम क्या लगेगा कम। अगर बच्चों को आगे बताऊं, अगर स्पीड वन से स्पीड टू होती है 5:6 में, तो डिस्टेंस वन से डिस्टेंस टू भी होगा 5:6 में। रीजन, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने इसके अलावा आपसे ये बात पढ़ ली कि सर जब भी इंदौर से देवास जाना हो, देवास से उज्जैन जाना हो या देवास से भोपाल जाना हो, तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या यूज करेंगे, टोटल टाइम, जैसा अभी अपन ने यूज किया था 2 मिनट पहले के लिए, यहाँ पे 30 का था 1 आवर था, यहाँ पे 170 था, यहाँ पे 4 आवर था, तो शायद ये हो गया टोटल डिस्टेंस में 30 प्लस 170 अपॉन में कितना 1 प्लस 4। हमको अगर ये पता हो कि अगर हमको इंदौर से पहले उज्जैन जाना है 60 की स्पीड पे, उज्जैन से इंदौर आना है 30 की स्पीड पे, इंदौर से फिर उज्जैन जाना है 50 की स्पीड पे, तो यहाँ पे